हाउ डिड यू फाइंड द फर्स्ट हंड्रेड कस्टमर्स हमने जब शुरू किया तो हमें लगा यार आ, मार्केट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कस्टमाइजेबल टी शर्ट्स या प्रोडक्ट्स प्लस साइज और प्लस साइज के साथ में क्विर की टी शर्ट और ये सब दे रहा हो hmm. तो हमने सोचा हम तो ये बनाएंगे प्लेटफॉर्म और मज़ा आ जाएगा लोगों को पसंद आ जाएगा बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम तक आ, हमें ये लगा लॉन्च करते ही बहुत ऑर्डर्स आ जाएंगे तो हमने लॉन्च किया जून 2018 को लॉन्च hmm. मतलब ऑनलाइन 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 गए क्योंकि वी नेवर लाइक नेवर वर ऑन मार्केट प्लेसेस इन एनीवेयर एल्स तो हमने ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की तो जब हमने वेबसाइट लॉन्च की तो हमारे पास छः महीने तक 10 uh, से 14 ऑर्डर ही आते थे लाइक 10 से 15 hmm. तो हमें लगा यार ये चीज तो मतलब जो हमने सोची थी वो हुई नहीं फिर हमें लगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेट करके दे दी जो लोगों को चाहिए ही नहीं उनको चाहिए सिंपल चीज़ तो अब हम क्या करें क्योंकि हमारी उस मोमेंट पे अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो ऑर्डर्स मतलब कि हम काउंट करें तो वो हुई थी थ्री हंड्रेड या थ्री फिफ्टी के अराउंड उससे आप सस्टेन तो नहीं कर सकते मार्केट में ठीक hmm. है तो उसके लिए व्हाट्स नेक्स्ट मतलब हमें क्या करना चाहिए तो वी वर फिगरिंग आउट कि क्या चल रहा है मार्केट में अगर मास मार्केट के लिए कर रहे हैं तो उनकी क्या चैलेंजेस हैं तो फिर हमने लॉन्च किए हमारे कस्टमाइजेबल कॉम्बोज ओके okay. कस्टमाइजेबल कॉम्बोज की जर्नी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग जब मार्केट जाते थे तो हमने देखा था पेपर -पे जींस या रिलायंस एंड एवरी लाइक एवरी अदर ब्रांड वर गिंग बंडल्स लाइक मार्केट में बंडल्स बहुत थे जो तो सबसे सस्ते आते थे सबसे सस्ते आते थे बट उनके साथ आपको फ्रीडम नहीं थी कि यू कैन लाइक पिक योर साइजेस डिफरेंट साइजेस और कलर्स तो हमने कहा यार ये तो सिर्फ बंडलिंग करके दे रहे प्रोडक्ट बट देर इज नो ब्रांड ऑनलाइन के कोई दे भी ठीक है तो हमने सोचा यार कि कस्टमर के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिनसे उनको कन्वीनियंस में मिले ठीक है okay. और हमारी ए पे भी इम्पेक्ट आए तो हम लोगों ने लॉन्च किए कस्टमाइजेबल कॉम्बोज जिसमें आप uh, अपनी पसंद की साइज़ और अपनी पसंद का कलर चूज़ कर सकते हैं लाइक like, okay. uh, क्योंकि जो मास मार्केट है वो एक साथ खुद के नहीं खरीदता राइट वो सोच समझ के खरीदता है हर एक पैनी पे वो सोचता है कि यार कि ये स्पेंड करूँ या नहीं करूँ ठीक है मेरी पॉकेट अलाउ करती है या नहीं करती है या अगर मैं ये ख़रीदूँ तो मैं इसके साथ और कैसे मतलब बेनीफ मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलेगी तो हमने उनको वो फ्रीडम दी कि यार आप चार अलग अलग कलर के टी शर्ट चार अलग अलग साइजेस में ले सकते हैं तो दिस इज हाउ वी बिल्ड आर कोम्बोस एंड विद इन लाइक फ्यू स्पेन ऑफ मंथ्स और समथिंग वो काफी मार्केट में हिट हो गए खुद हैंड करके डिजाइन तब यू आई एक्स और कुछ भी नहीं था हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी टीम थी और हम लोग थे तो हमने पूरा ड्रॉ किया बनाया की हाँ दिस इज वॉट वी वॉन्ट ये स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्टेड विद दैट कोम्बो नाउ वी हैव कोम्बोज इन एवरी लाइक ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी ठीक है एंड पीपल आर लविंग इट तो दिस वॉज द सेकेंड फेज ऑफ आर जर्नी के पहले हमने लॉन्च किया फिर हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे काम किया फिर उसके बाद में हमने लाइक तीन सौ या तीन सौ से नाव वी आर ट्वेल्व हंड्रेड एव ठीक है आफ्टर कोम्बोज तो ये सेकेंड फेज में हमारा ए मार्केट में काफ़ी अच्छा हो गया आर ओ आई सब सारे इम्पैक्ट हो गए फिर हमने सोचा यार कि सेल्स और सारी प्रस्पेक्टिव तो टिक मार्क हो गए बट वेयर इज द ब्रांड ठीक है मार्केट में अगर कोई रिकोगनाइज करेगा जाने का तो किस प्रस्पेक्टिव से जाने का देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ब्रांड साइड ठीक है कस्टमर को एक्सपीरियंस देना एंड एवरी थिंग देन वी डिसाइडेड कि अब क्या ऐसी चीज है हम जो दें जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा और कस्टमर को और वैल्यू प्रोवाइड करें hmm. तो जब भी मतलब हम खुद भी बहुत छोटी जगह से हैं तो हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों को मोस्टली देखते हैं ऑफलाइन कि यार ड्रेस खरीदनी है ठीक है तो वो ड्रेस खरीदने का होता है कि अपर वियर बॉटम वियर जो दोनों होते हैं वो एक साथ ही खरीद लेते हैं ताकि उस पर उनको डिस्काउंट भी मिल जाए और उनको एक पूरा लुक मिल जाए ठीक है तो वो वहाँ पे बहुत ट्रेंड में मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे भी अगर बड़े शोरूम्स में जाते हैं तो लोग सोच के जाते हैं ठीक है तो वो चीज़ एक ऑफलाइन चल रही थी फिर हम ऑनलाइन देखा हमने कि कोर्ट सेट बहुत चल रहे थे ठीक hmm. है तो कोर्ट सेट चल रहे थे उसमें एक इशू था कि अगर मैं सपोज मेरे लिए कुछ कोर्ट सेट ऑर्डर कर रही हूँ तो वो जो एक साइज अगर अपर वियर की आती है सेम साइज़ बॉटम वियर में आ रही है hmm. तो यार बॉडी साइज और शेप्स तो बहुत डिफरेंट है तो वो बहुत प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करते हैं पहनने में दे आर नॉट कंफर्टेबल इन ऑल और ऑफलाइन भी कोई एज ए ड्रेस या लुक बोल के कोई नहीं बेच रहा था तो फिर हमने लॉन्च किया लुक शॉप द लुक तो उसमें हमने क्या दिया उनको कि दे कैन क्रिएट देयर ओन लुक्स ठीक है दे केन लाइक पिक देयर अपर वियर दे कैन पिक देयर बॉटम वियरस एंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस लाइक आई एम वेयरिंग एल इन शर्ट्स तो आई कैन वेयर डबल एक्सेल इन पेंट्स तो आई कैन कस्टमाइज माई लाइक लुक्स तो उसके बाद मार्केट में और रिकग्नाइज हुआ और ब्रांडिंग पे इम्पैक्ट आया ना उसके बाद हमने एस्पिरेशंस और क्रिएट करने के लिए भुवन बम को भी लॉन्च किया तो दिस वाज आवर होल जर्नी तो इसमें बस एक चीज़ हमारा कॉमन फैक्टर था कि वी वर ऑलवेज फोकस ऑन द मास मार्केट कि उनको अगर हमें एस्पीरेशंस भी क्रिएट करनी है तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने हैं उसी के साथ उनके लिए कुछ कन्वीनियंस ऐसी प्रोवाइड करनी है ताकि उनके जो एवरी uh, फैशन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो ईज हो जाए तो इन तो सारी की सारी जो चोटी -चोटी हम स्टार्टिंग में क्या करते थे जब ब्रांड लॉन्च की थी तो हम खुद उदयपुर में uh, वहाँ पे एफ एस और ऐसी घूमने की जगह वहाँ पे गए हम टी शर्ट्स और सब लेके कि ये लॉन्च करें आप इसमें से क्या पिक करेंगे तो हम फिजिकल mm सर्विस -hmm. करते थे स्टार्टिंग में बहुत आस के सब जगह पे उस मार्केट में तो उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग करते थे फिर कॉम्बोज लॉन्च किया हमने ऑनलाइन जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं उन लोगों से कनेक्ट करके उनसे बात करके किया है टीम ने किया है ऑनलाइन और सर्विस फॉर्म्स के थ्रू भी हुए हैं और हम टीम से भी जो हमारी डेडिकेटेड टीम जो डिज़ाइनिंग एंड ऑल पे काम कर रही है तो वो भी डिफरेंट सर्विस और डेटाज इन सबको देखते हुए